हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वाह, कितनी अच्छी सी यहाँ से प्रेग्नेंट, बहुत अच्छी सी, ऐसे मन को मोहित कर रहे हैं ये सब फ्लावर्स। इतने अच्छी सी यहाँ से सुगंध निकल रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही सुंदर। तो आज मैं आपको गार्डन की कुछ और वो दूंगी और क्या कुछ नया चल रहा है वो सब मैं इसी वीडियो में बता दूंगी आपको। वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करना, एक शेयर भी कर देना फ्रेंड्स, अपनी स्टेटस पर लगा सके तो लगा लेना। और मुझे सपोर्ट करने का एक तरीका वह मैंने बताए हैं। तो ये मैं रिपोर्टिंग के बाद, क्योंकि बहुत फ्लावर आए थे उस टाइम मैंने इसको रिपोर्टिंग किए थे, तो काफ़ी अच्छे बने हैं। देखिए काफ़ी अच्छे फ्रूटिंग भी बने हैं और साइज़ भी थोड़ा बड़े भी हो रहे हैं। और जितने भी मैं ये बालसम के सीड्स यहाँ पर वहाँ पर गिरे थे सब निकल कर आए हैं। देखिए कितने अच्छे से निकल कर आए हैं, तो फ्लावरिंग हो रही है वो इस टाइम। और सब्जियों की बात करें तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बेल निकल कर आया था तो मैं ही पत्तियों से नहीं पहचान पाई, लेकिन फल आते ही मैंने इसको पहचान पाई। देखिए बीन्स है, बीन्स का पेड़ है, दो तीन निकल कर आए हैं, तो बहुत अच्छी सी इस पर ग्रोथ है क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर जो उनको मिले हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो ये है ड्रमस्टिक के प्लांट। ड्रमस्टिक के प्लांट में तो बहुत फ्लावर होते हैं लेकिन फल नहीं बन पा रहे हैं, देखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि पानी की थोड़ी कमी भी उनको हो रही है, इस वजह से शायद फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं। और इसको क्या आप कहते हैं, सेम की फली बोलते हैं, तो इसका भी पेड़ मैं निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये अंजीर का है और यहाँ पर देखिए मेरे चेरी टमाटो कैसे ग्रो हो रहे हैं। देखिए चेरी टमाटो के प्लांट्स इस बार बहुत सारे जगह जगह पर फैले हुए हैं, सभी में फल फ्रूटिंग भी हो रहे हैं। तो फ्रूटिंग की बात आ रही तो ये भी एक बता दूँ, ये साउथ इंडियाज़ में सांभर के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसका नाम आप नॉर्थ में क्या कहते हैं उसको ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। तो फिलहाल गार्डन में बहुत अच्छी सी चल रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, बारिश बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए हिबिस्कस में बहुत अच्छी सी बर्ड्स आ रहे हैं, फ्लावरिंग हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे मिलीबग्स लगे हुए थे, एक येलोइश में आता है वो जल्दी नहीं निकलता है, तो उसको भी मैंने इसको लाइजल स्प्रे करके ना मैंने इसको सारे रिमूव कर दिए, सारे के सारे हट गए हैं, तो अब अच्छी सी फ्लावरिंग भी हो रहे हैं। तो ये देखिए फ्लावर खिल रहे हैं, तो इसका भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से फैल रहा है। इसको मैंने परचेस किया था और लगाने के बाद, रिपोर्टिंग के बाद देखिए कितनी अच्छी सी ये बस निकल कर फ्लावरिंग पर आ रहा है। इसको मैं बड़ा ऐसा ड्रम में इसको लगाने वाली हूँ, इसके लिए मैं रखी हूँ यहाँ पर। और हिबिस्कस देखिए, फ्लावर्स देखिए, साइज देखिए, और हर एक इसमें कलियाँ खिल रहे हैं। तो ये देखिए ये मिली बक्स अभी भी लगे हुए हैं, तो मैं इसको लाइजोल स्प्रे कर चुकी हूँ, दो बार इसको स्प्रे करती हूँ, ज़्यादा है तो दो बार। देखिए इस तरह से ये मर रहे हैं, इसको मैंने आज भी स्प्रे किया है और कल भी मैंने स्प्रे किया है, तो इस वजह से ये जो है मर रहे हैं। तो इस ऐसे मैं इनको हटाती हूँ, जो भी मिली बक्स वगैरह लगे हैं उनको मैं हटा रही हूँ। तो ये रही, कलर बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स इसका, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये लास्ट ईयर का पौधा है। तो ये इस साल जो सीड से ग्रो हुए वो ये यहाँ पर है। तो क्रोसेंड्रा है, सभी तरह के जो चमेली के फ्लावर्स हैं इसमें देखिए, फ्लावर्स बनने के बाद इन सब को इस तरह से निकाल कर फिर से इन्हें ग्रो होने देते हैं, तो फिर से बहुत अच्छी सी फ्लावर्स वगैरह आते हैं। तो ये सब हो गए हैं फ्लावर्स, इसी में डाल देते हैं। तो ये जगह जगह पर जैसे ही इसकी न्यू ब्रांचेस आती है तो वहाँ पर बहुत अच्छी सी फ्लावर बंचेस बनते हैं। देखिए इस तरह से और न्यू फ्लावर निकला है फ्रेंड्स, ये है जबरीना हॉलीहॉक। देखिए कितने अच्छे से ये खिले हैं, बहुत अच्छे से खिले हैं। एक दो प्लांट थे सारे मर गए लेकिन ये बच गए, क्योंकि पानी नहीं दिए थे मैंने कुछ प्लांट्स में, तो इस तरह से ऐसे हो गई। ये नीम की प्लांट है और ये पता नहीं फ्रेंड्स ये कौन सा है, थोड़ा बताना। ये मुझे लग रहा है कि जो फ्लावर होते हैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे मुझे लग रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये एक इस तरह से आई है। देखिए ये कौन सा है मुझे पता नहीं है, ये वाला, ये घास है या कुछ है मुझे नहीं पता, लेकिन
बहुत अच्छी उसकी पत्तियां हैं, बहुत अच्छी है, इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, उसे हटाने का मन नहीं कर रहा है। तो बारिश नहीं हो रही तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे पेड़ को हो रही है। टाइम से मुझे पानी डालने का भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोचती हूँ बारिश आता है तो मैं छोड़ देती हूँ, तो बारिश बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्लांट्स को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको भी मैंने कुछ दिन पहले समर में लेकर आई थी, तो देखिए इसको रिपोर्टिंग के बाद ये भी बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। देखिए ब्रांचेस अच्छे से निकल रही हैं, यहाँ से नीचे से आ रही है ब्रांचेस। तो अभी इन सब की कटिंग वगैरह लगाना मैं शुरू कर दिए है। ये है ऑल सीजन फ्लावर प्लांट, ऑल सीजन क्या बताऊँ मैं इसका, बहुत ही अच्छा है ये भी। और क्रोसेंड्रा देखिए, क्रोसेंड्रा भी सारे खिल रहे हैं। ये मैं जब छोटी थी जब से देख रही हूँ, ये डेवलप प्लांट्स है जो यूनिवर्सिटीज में डेवलप होते हैं ना, तो वहाँ का प्लांट है ये असली देसी वाला है। जब मैं छोटी थी जब से देख रही हूँ, ये भी डेवलप्ड प्लांट है। येलो सब तो पहले नहीं आते थे, और ये रहा रेड ग्रोम पेरना। और इसी साथ मैं आपसे एक वीडियो भी शेयर करूँगी फ्रेंड्स, सॉरी एक बात भी शेयर करूँगी। तो देखिए सब लोग सीड्स या प्लांट्स के लिए पूछते हो, तो मैं जो अवेलेबल रहता है वो मैं बताती रहती हूँ, वीडियोस देखते रहिएगा। जब अवेलेबल रहता है उसी टाइम मैं सेल कर पाऊँगी, बाकी मैं नहीं कर पाऊँगी कभी भी, क्योंकि मैं कुछ ही बचा लेती हूँ, बाद में नहीं उसे नहीं रख लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन होने पर वो सब ना अच्छे नहीं रहते हैं, सीड्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो ये देखिए तुम्बजे का प्लांट है, इसमें ना सीड्स बन रहे, ये इस तरह के सीड्स बनते हैं, सीड्स देखिए ऐसा बनता है, इसमें देखिए सीड्स बन रहे हैं, तो सीड्स कुछ दिन के बाद अवेलेबल हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये सीड है, अरे ये निकल कर आ गया, शायद पक गया है, तो ये इस तरह से पक जाता है तो निकल कर आ जाता है, और ये बहुत ही स्ट्रांग भी हुआ है, देखिए यहाँ पर भी है। तो ये इस तरह से इसका सीड्स बन रहा है, तो कुछ दिन के बाद कलेक्ट करूँगी, तब मैं अगर बच गया तो मैं बोलूँगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि देखिए गार्डन है तो बहुत सारे लोग यहाँ के मुझे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं तो देखने के लिए आते हैं, वैसे देखने के लिए आते हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, कुछ ना कुछ वो प्लांट्स लेकर ही जाएंगे, तो नहीं बच पाता है ज़्यादातर। तो ये ऐसा होता है, देखिए गुलदाउदी का बहुत सारा कटिंग्स लगा हुआ आपको मिलेगा, मैं बहुत सारा ऐसा कटिंग्स जो है वो लगा रही हूँ, क्योंकि जब भी सीज़न आ जाता है ना तो तब हम लगाने जाएंगे तो फ्लावर पर ध्यान देगा ना ही उस ग्रोथ पर। तो ये है चिंतामणि, मैरीगोल्ड बोलते हैं हम लोग इसको, अफ्रीकन मैरीगोल्ड भी आप बोल सकते हैं इसको। तो ये बहुत डार्क कलर में होता है और बहुत अच्छी सी ये देखने में लगता है, बहुत अच्छा रहता है इसका। तो यहाँ पर इसका रिपोर्टिंग का वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था, तो ये सेट भी हो गए हैं। और यहाँ पर एक सेम की फली, इसका ग्रोथ देखिए, फ्लावर्स देखिए, इस कितना सारा यहाँ पर बन रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं, और पौधा भी काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि इसमें जो है फ्रेंड्स बड़ा सा कंटेनर जो मिला है इसको। और मैं देखिए आपसे वीडियो बनाते बनाते एक चीज़ देख ली, यहाँ पर देख रहे हैं एक कीड़ा लगा हुआ है, देखिए कितना बड़ा सा है, कुछ ही दिन में फ्लावर्स भी ख़त्म कर देगा और फ्रूट भी नहीं बनने देगा। और यहाँ पर देखिए सीताफल भी लगे हैं, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होने की वजह से और बड़ा कंटेनर मिलने की वजह से ना इसके बहुत अच्छी सी ग्रोथ हुई है। देखिए उस कीड़े को मैंने यहाँ से निकाल लिया, देखने में बहुत डर लग रहा है मुझे तो, देख रहे हैं। तो अभी थोड़ी गार्डन तो इस तरह का ये लुक आ रहा है, वो फट गया था, फिर से मुझे सिलाई करनी पड़ी उसमें। तो ये सब देखिए फ्लावर्स, थोड़ा पानी की वजह से साइज कम हो गया, वरना इतने अच्छे साइज आ रहा था इसका। यहाँ पर मैंने बहुत सारे बैगन के, मिर्ची के और टमाटर के जो पौधे हैं वो लगा के रखी हूँ, यहाँ पर क्रोसेंड्रा वगैरह लगा के रखी हूँ यहाँ पर। तो लास्ट ईयर के सीड्स वगैरह डालने के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से जीनिया खिलकर आ रहे हैं, जीनिया देखिए कितना अच्छा सा
खिले हुए हैं, और ये कलर बहुत अच्छा है। रेड एक खिल गया तो सारा मेरे पास रह गया, लास्ट ईयर का फ्लावर थे वो। और ये देखिए, ये कलर नहीं मिला था, यहाँ पर निकल कर आया, और बहुत छोटा सा पौधा है वो। और यहाँ पर भी बहुत अच्छे फ्लावर्स वगैरह निकल रहे हैं। तो यहाँ पर है मेरा रेड भिंडी का बहुत सारे पौधे यहाँ पर है। तो ये सब है ड्रैगन फ्रूट। कुछ दिन पहले मैंने कुछ हार्वेस्ट वगैरह कर ली है, तो अभी छोटे छोटे तीन लगे हुए हैं। तो ये इस तरह का, ये लॉन्ग बीन्स जो बोलते हैं, ये है इसमें। और यहाँ पर करेला के भी बहुत हार्वेस्टिंग हो चुका है। तो यहाँ पर भी एक बीन्स है। तो यहाँ पर देखिए बालसम, और यहाँ पर है मैं एक वाटरमेलन। पता नहीं वो ग्रो होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो है। इसको मैंने पानी देना ही बंद कर दिया क्योंकि ये अभी गया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा से फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये यहाँ पर भी एक भिंडी का है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, मैं कुछ ट्राई करने के लिए लेकर आई थी, तो ये अच्छे से इसका रूटिंग आया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये भी एक लेकर आई थी मैं पौधा, और सारे बस खिल रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने लगाए हैं टमाटर के वगैरह, तो सारे उसी इसके हैं, चेरी टमाटर, ये सब भी वही है। तो ये है भगवान को अत्यंत प्रिय बेलपत्र। तो इसमें फ्लावर्स तो आप स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत गुच्छे में आया हूँ। इसमें एक प्लांट फैल गया है, इसको थोड़ा हटाना है। ये हटाते ही वो थोड़ा अच्छा सा ग्रो हो पाएगा। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का गार्डन। सो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।